हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्रिप पॉइंट। दिस इज आलोक पांडे एंड आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो का। जो हम लास्ट लेक्चर में देखा था वो कुछ हम लोगों का जेक्वेरी का काम देखा था, राइट? जेएसपी का काम नहीं देखा था, आज हम वो कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? सो दैट हम आगे बढ़ सकें। सो सबसे पहले एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज मत देखिए क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? सो स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, आई मीन ये सीरीज पूरा देखिए तभी ये समझने वाले हो। सो प्रोफाइल नहीं, आई एम सॉरी, ये पेज नहीं, हमें रन करना है एडमिन भाई, एडमिन के अंदर एंड ऐड क्वेश्चंस नाम का जो पेज था ये वाला, हम लोग यहाँ पे जेक्वेरी वगैरह ऐड किए थे, आपको याद हो अगर तो। सो ये क्वेरी हम लोगों ने ऐड किया था, राइट? अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो। सो जिसकी वजह से हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा था, अगर ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो एंड अगर रिटर्न करते हैं तो फिर से हाइड हो जाता है, वो सारी चीज़ें, राइट? सो अभी यहाँ पे देखिए, फॉर्म से मैं जब सबमिट करता हूँ तो पेज हमारा किस पेज पे जाने वाला है, लेट्स से ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर नाम के पेज पे जाने वाला है। अब यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर नाम के पेज से हम लोगों को डेटा मतलब रीड करना है इस फॉर्म का और उसे इंसर्ट करवाना है। तो चलिए जाते हैं हम लोग उसी ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर पेज के ऊपर। सो दैट इज अवेलेबल इन सोर्स पैकेजेस एंड इन कंट्रोलर पैकेज, राइट? सो ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर ये रहा। ओके, सो ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं एंड इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश करके पास करने का रीजन आई होप आपको पता होगा इस तरह से क्यों पास कर, हमने मैप किया है, लेकिन हम लोग जो करंट डायरेक्टरी में है वो हमारा सब डायरेक्टरी है, मतलब वेब पेजेस के अंदर सब डायरेक्टरी है, इसलिए मुझे वापस वेब पेजेस वाले मेन डायरेक्टरी में आने के बाद वहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे इस पैकेज को, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नॉर्मल डू गेट मेथड, हम लोग क्वेश्चन अपडेट करें, कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली डू गेट लिया हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग जितने वेरिएबल्स हैं सबके सब बना लिए हैं, मतलब अब जब क्वेश्चन अपडेट किया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर होने वाला है, क्वेश्चन मार्क्स होने वाले हैं, क्वेश्चन के टेक्स्ट होने वाले हैं, आंसर टेक्स्ट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नो डाउट आपको पता भी होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, पिछला इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो। सो फिलहाल ओके, ये यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट को लिया हुआ है, राइट? आई मीन फॉर्म से डेटा लेके एक वेरिएबल्स के अंदर, अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर रख दिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नाम का मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जो क्वेश्चंस नाम से है उसका रेफरेंस, एंड उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं वही सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, और वो क्या क्या है, मार्क्स, क्वेश्चन टाइप, मार्क्स टेक्स्ट, आंसर टेक्स्ट एंड ऑल दैट। एक बार इसका आउटपुट, मतलब इसके पहले वाला, मतलब जो हमारा ऐड क्वेश्चंस नाम का है उसका आउटपुट भी देख लेते हैं, सो दैट आप लोग को क्लियर रहे आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ऐड क्वेश्चंस नाम का जो ये पेज है इसे रन कर लेते हैं एक बार। सॉरी। सो एंड नाउ सब्जेक्ट ऑपरेशन, चलो ठीक है वो रन होता है तब तक, नहीं रन हो चुका है, बेस्ट गुड एंड हियर इज योर आउटपुट। क्या रहा योर आउटपुट? सो हम डिपेंड्स करता है जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के मार्क डालेंगे, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मार्क्स हमने रखा है सेपरेटली, सो दैट ये क्वेश्चन वाइज हम लोग उसका मार्क्स भी सेट कर सके, इस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, रिटन, प्रैक्टिकल, ऑप्शनल। लेट्स से मैं ऑप्शनल सेलेक्ट करता हूँ, जब देखिए चार ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया किस तरह से आता है और क्यों आ रहा है, एंड उसका आंसर सेट करना है जिससे हम मैच करने वाले हैं यूजर के आंसर को। ओके, सो दैट्स ऑल। सो यही चीज़ है, अब ये फॉर्म से जब सबमिट होएगा तो हमारे किस पेज पे जाने वाला है, इस पेज पे आने वाला है जिसका नाम है ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर नाम का, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डेटा रीड किया, कौन सा, सिर्फ क्वेश्चन का, ऑप्शंस का नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस का रीड किया है सबसे पहला काम, उसके मार्क्स के साथ ऑब्वियसली, एंड उसका स्टूडेंट आईडी भी हम लोग सेंड कर रहे हैं जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया। सबमिट होने पे मैंने इनपुट टाइप हिडन भी रखा हुआ है कुछ डेटा जो इस पेज पे आने वाला है, जब इस पेज पे आएगा तो हम लोग उसका आईडी भी रीड कर सकते हैं, लेट्स से सब्जेक्ट आईडी जैसे रीड किया हुआ है, राइट? सो अब ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी सब्जेक्ट का ही होने वाला है, किसी न किसी ऑब्वियसली लेट्स से C++ और डॉट नेट और समथिंग एल्स, तो डिपेंड्स ऑन। सो सब्जेक्ट ऑपरेशन अब हम लोग ले रहे हैं, हमने सब्जेक्ट ऑपरेशन लिया, सब्जेक्ट ऑपरेशन के थ्रू मैं सब्जेक्ट को कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आईडी मिली है ऊपर जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आईडी को सेलेक्ट करके हम लोग उसके एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर मैंने डेटा डाल दिया, बीन के अंदर वैल्यू सेट है, सब्जेक्ट ऑपरेशन लिया, सब्जेक्ट ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन, क्वेश्चन ऑपरेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब डीएओ के अंदर बना हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं ये सारी चीज डीएओ के अंदर बनी हुई है, ये सब कंप्लीट एमसी पैटर्न होने की वजह से हम लोगों ने अलग अलग बना के रखा हुआ है। सो
यहाँ पे देखोगे ऑप्शन डिक्लेरेशन क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, सारे के सारे क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। सो क्वेश्चन डॉट गेट सब्जेक्ट नेम डॉट एड सब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब ये चीज़ क्या है शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी, सो मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान दो क्वेश्चंस, ये जो है क्वेश्चंस हमारा, इसके अंदर हमारा सबका सब डेटा तो फिल हो गया बिन क्लास के अंदर, लेकिन एक एक था डेटा जो नहीं फिल हुआ था, जो था हमारा क्वेश्चन आईडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस डॉट यानी इस इसके अंदर जो गेट सब्जेक्ट नेम होता है, मतलब मैं सब्जेक्ट नेम को ले रहा हूँ, डॉट ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्या ऐड कर रहा हूँ, ऐड एसओ यानी हमारा सब्जेक्ट ऑपरेशन डॉट सेलेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट आईडी। मतलब ये जो फंक्शन है एक सब्जेक्ट रिटर्न करेगा और सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसका मैंने यहाँ पे आईडी फेच किया हुआ है, राइट। तो हम लोग एज अ पैरामीटर देखो यही पास कर, और ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी बना के रखा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन बना के रखा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये किसके अंदर डी वो पैकेज के अंदर हमारे सब्जेक्ट ऑपरेशन के अंदर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक आईडी पास करेंगे और उसके रिगार्डिंग वो भी जो डेटा रहेगा उससे रिटर्न कर देगा सिंपली कुछ इस तरह से, एंड हम लोगों ने वो रिटर्न करवाया है, राइट। तो वही चीज़ है, तो सब्जेक्ट ऑपरेशन ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पहले का वीडियो देखो तो आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। सो सब्जेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट नाम का जो है एक डेटा देगा, एक सब्जेक्ट देगा जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ इस गेट सब्जेक्ट नेम के साथ। आर यू गेटिंग, आई होप सो। हम लोग क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं, राइट, हम लोग क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर एक सब्जेक्ट नाम का हमारा ये रहने वाला है क्या फील्ड, जिसके अंदर मैं सब्जेक्ट टाइप का ही वैल्यू रखा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप का वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसके साथ। ऑब्वियसली यहाँ पे ये सिंगल हो सकता है, मतलब इस तरह से रखने की जरूरत नहीं थी, वन टू वन रिलेशनशिप कर सकते थे। आई थिंक एवरी सब्जेक्ट शुड हैव, एवरी क्वेश्चन शुड हैव अ सब्जेक्ट नेम, राइट। हाँ यहाँ पे वन का भी रिलेशनशिप हो सकता था, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर बट आई थिंक, बट मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है like, जो रिलेशनशिप मैंने रखा हुआ एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट नहीं क्वेश्चंस के अंदर जाके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए मैंने रिलेशनशिप सेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मेनी टू मेनी सेट किया है मैंने, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टाइप का है, राइट। सो मेनी कॉलम्स कैन ऐड मेनी सब्जेक्ट समथिंग लाइक दैट, सिंपल, राइट। सो यही है कि हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एरे लिस्ट को, एरे लिस्ट के थ्रू हम लोग डेटा ऐड करवा रहे हैं लिस्ट के अंदर। अब ये जो हमारा टेबल बनेगा क्वेश्चंस नाम का, उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इसका क्या तुक बनता है, लाइक हम मल्टीपल सब्जेक्ट क्यों रखेंगे एक क्वेश्चन के लिए, राइट, दैट्स द क्वेश्चन। सो सिंपली लेट्स से आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमन है, लेट्स से डीबीएमएस में भी हो सकता है वो चीज़, वही चीज़ फाइल स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लेट्स से फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर में भी होता है एंड इवन डीबीएमएस में भी होता है, दैट टाइम आप चाहो तो मल्टीपल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकता है, क्लियर है। सो ऐसे सिचुएशन पे आप यूज कर सकते हो नो डाउट, बट अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप सिंगल भी रख सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलम के हर एक रो के पास एक ही रहने वाला है, ऑब्वियसली जरूरी नहीं एक मल्टीपल हो, ओके okay?